साहिल जा रहा है अपने फ्रेंड की पेट भैंस को बचाने। क्या क्या है कि वो ना नाला जैसा है, इतना जितनी चौड़ी भैंस है और उसकी हाइट के जितना डीप है ना, तो वो वहाँ गिरी हुई है और उसको निकालना है। लगी है पूरे चौर लगी है। ये भेस आपके है क्या? डरी होगी ना किसी से, अचानक क्या से खाई में गिर चोट लगी ना उसको? हाँ लगी, चोट तो लगी है बाजू में। कैसे होगा ट्रीटमेंट? ये करके मैं बता दूंगा इनको, ये करते जाएंगे। क्लेवर आइडिया था वो जो उन्होंने खोद के रास्ता बनाया। इन्होंने जब मुझे बताया ना पहले कि भाई खुदाई करके खुदाई में भैंस निकली, तो मुझे लगा कि किसी ने दबा दी। नहीं नहीं सर, इसका तो ये तो वैसी की वैसी नहीं लग रही जो हमने सर्जरी कराई है। ये तो वो क्लोज हो गया, फिर ये वैसे ही रहेगा। मैं समझा नहीं, तो ये जो हर्निया होता है ये यही है ना कि मसल में टियर है और उनका अंदर का कुछ जैसे पेट मसल से कंटेंट है क्या, स्टमक है, इंटेस्टाइन, वो बाहर आ जाता है। वो बाहर आ जाता है, तो जब हमने सर्जरी करी पालमपुर में तो उस कंटेंट को हमने अंदर कर दिया। हाँ वो सूचित कर दिया बाकी, और बाहर हमने एक नेट लगा दिया काइंड ऑफ एक रीइंफोर्समेंट सपोर्ट के लिए। तो इस समय फिर ये जो हिस्सा है इसके अंदर भरा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं खाली थोड़ा होगा। नहीं मतलब ये तो मसल का स्ट्रक्चर है ना, ये तो इसका स्टमक ही है इसमें तो। ओ तो मसल की शेप ये वो हो गई है। तो बहुत टाइम से खाने 2 साल समझ गया। सैड है यार, ये तो ऐसा भी नहीं है ना कि कुछ क्रंचेस कर लेगी पेट अंदर चला जाएगा। सर अभी तो हमने इसका वो कर दिया ना कि इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये प्रेग्नेंट है थी ना? हाँ मुझे नहीं पता था, मुझे उसका पता था। सर्जरी के पहले ही बता दिया था ना। मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान, मुझे जस्ट अपना इसका पता था कि बर्डी, सॉरी हाँ चंदा रोलैप्स वाली। हाँ नहीं ये भी प्रेग्नेंट थी, हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे थे उस टाइम पे क्योंकि इसकी सर्जरी हुई थी ना। अब जब सूचर्स ओपन हो गए, सर्जरी हो गई तो फिर इंड्यूस किया हुआ है ना। कितने घंटे हुए? कल ही किया शाम को, अभी 2 दिन और। ओके तो एक और एबॉर्शन, एक बछड़ा है ना जिसको काफी गंदी इंजरी हो रखी है। बछड़े तो 4-5 हो गए। नहीं जो अभी लेटेस्ट आया है इसका नाम हमने बर्फी रखा। क्या रखा है? बर्फी। आपको पता सर क्या हुआ बैल को? शायद वो उसको कट लगा हुआ है ना, काफी गहरा है। आपको भी जो वो दिख रहा है मेरे को भी वही दिख रहा है क्या? खत्म है पूरा? बड़ा बहुत ही ज्यादा निकल गया है। अंडे दिए ना? दे दिए अंडे सर। ये तो अलग ही हो गया है। उसको लगी कैसे पता? पूछ ट्रक वाले ने। कब? सुबह 5 बजे भाग गया मार के। कट बहुत शार्प है, कुछ चीज अंदर तक ऐसे कटी है, ऊपर तक तारवार भी है ना। तार से नहीं होगा, अगर ये फंसा तो ये पूरा पैर फंस गया इसका। नहीं सर, तो लेके जाने वाला केस है ना ये बैल है इसी एरिया का भैया? हाँ इधर कहीं है, जैसे छोड़ देते हैं ना बंदे में कोई। ये वाले मसल्स में देखो हवा भर चुकी है, तो धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलेगा। ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है? हो चुका है। वजन तो ले रहा है ना पैर पे? ये वजन ले रहा। चाचा ये नहीं उठ रहा? उठेगा भी, चलेगा भी, भागेगा भी, दौड़ेगा भी। इतना आत्मविश्वास भाई साहब, गुड मॉर्निंग। अपने हिसाब से चलना, दर्द कर रहा है? दर्द हो रहा है ना। चलो अच्छा चलो, मेरे कंधे पे उठा दो यार इसको। भाई फिर भी काफी आप इसका जख्म देखो, बहुत गहरा है। जख्म गहरा है लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत वर्स होते हैं इनके लिए ना। एंड अगर ये इस स्टेट में है तो फिर भी मैं सोचूंगी कि बहुत सारी चीज़ों से बचा हुआ है ना। ये चल रहा है फिर रहा बहुत है, बूंद है, ठीक हो जाएगा ना बच्चे। बाबा रे लोग जैसे खेत में चल रहे हैं ना तो दरात लेके चलते हैं, वो नॉर्मल दरात लेके चलते हैं, चले हैं अभी।
तो कोई कुत्ता कुत्ता भी भौंकता है ना तो इट्स नॉट लाइक कि किसी मैलिशियस इंटेंट से, पर हाथ में जो है वो घुमा देते हैं, वो लग गया तो लग गया, बात करके बात करते हैं, भौंकते हैं ना डॉग्स बहुत ज्यादा। हमारे जो स्वीट सी गाय थी ब्लॉन्डी, हां वो चली गई, भेज दिया उसको। ब्लॉन्डी नहीं जाना है क्या? नहीं जाना है, अगर तुम बोलोगे नहीं जाना है तो हम नहीं छोड़ेंगे, बस ये लो, नहीं मन है जाने का। आज ब्रांडी रिलीज हो रहा है क्या? हाँ जी, रानी तरह से इसको रेस्क्यू किया था, किसी इंडिविजुअल मतलब कोई पर्सन था वहाँ जो लोकल भी नहीं थे, वो वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने इसको रेस्क्यू किया था और बिना हमारे कंफर्मेशन, बिना कोई पहले इन्फॉर्म किए वो इसको गाड़ी में इसको डलवा के इन्होंने सीधा हमारे पास भेज दिया था। इंजरी ये थी कि उसके वल्वा में ना काफ़ी सीरियस मैगेट वुंड था डीप ना, अब वो वुंड तो हील हो गया था अच्छे से, उसके बाद एकदम हील होने के बाद ना इसको डायरिया शुरू हो गया, वो भी अभी ठीक है और अब इसको हमको रिलीज करना है। चल 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 चल। अच्छे से पहुँच गई, वो बहुत हेल्दी होगी गई है यहाँ से, अपने उसमें रहेगी ना एनवायरनमेंट में जहाँ पर वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो ठीक हो जाएगी। रिलेटिव है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। देखो कितनी शर्म की बात होगी कि गाय इतने टाइम से सड़क पे, हमें लगता है कि सड़क उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, घर में पली बड़ी। तुम ये स्वीट स्वीट जानवर सारे छोड़ आते हो, रिलीज कराते हो और वो मैगेट वुंड वाले कुत्ते ले आते हो जो रात को फिर गाना गाते हैं। वो इधर है, वो तेरी नहीं नहीं मेरा नहीं है, इधर वो करते रहते हैं थोड़ा, ये हमारा भी तो बनता है कुछ। क्या हुआ डॉक्टर? वो इधर एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने तो ऐसे दो तीन दिन में देखा तो फिर बोल कर रहा था इनको। हम हाथ धो के आया, देखो इधर स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा है। क्या टूटा लड़की? समय भी नहीं है हमारे पास, कल करेंगे बाकी का जो भी इवैल्यूएशन सारा। फीमेल ये जो मैं बोल रही थी गोभी, वो भी रो रही है आर्थरी में, पता नहीं मेरे को शायद वो हो गया बद से बदनाम, बुरा मैगेट वुंड वाला जो भी आएगा वो रोएगा, ऐसा हो गया। ओके एक सेकेंड प्लीज, देख रहा देख रहा हूँ। जब मैं अपनी चीज़ भुलाऊँ ना, मैं बीच में आपको एक बात बताऊँ, पता नहीं ये रखनी चाहिए नहीं, हमारे वीडियोस में देख के आपको लगता है ना कि पीपल फार्म एक बड़ा हैप्पी मीनो परिवार है, मैं आपको बताऊँ हम काम अच्छा करते हैं पर यहाँ पे भी ना गुटबाजी और वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैं कभी से डील नहीं करना चाहता था। नॉट अ हैप्पी फैमिली। कई बार जब लोग आते हैं हमारे से डिसअपॉइंट भी होके जाते हैं, पर उनका डिसअपॉइंट होने का रीज़न ये नहीं होता वैसे कि लड़ाई झगड़े, उनका डिसअपॉइंट होने का रीज़न होता है वो मुझे पता नहीं कि क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, तो अब तो क्या कहूँ, छोड़ो। दोबारा चलते हैं, कुत्ते हो गए शांत, मुझे वहाँ पर चिंगारी से मिलना है। चिंगारी तो चिंगारी का एक पैर ख़राब है फिर भी वो लात मार लेती है, वही पैर जो ख़राब है। नहीं जो नहीं यार ये पैर ख़राब है, उछल के पीछे वाले टांग को मारने की कोशिश करती है। ये जो इसका ये निकला हुआ है बाहर, हाँ हाँ ये स्वेलिंग है ना, तो इसीलिए हम इसको वापस ले आए हैं ताकि इसकी ट्रीटमेंट भी हो जाए। और प्रॉब्लम ये है ना कि इसका हूफ ट्रिमिंग करने का कोशिश किया, जो एक हूफ बचा हुआ है तो हमने हॉइस्ट लगा के भी कोशिश की ताकि सपोर्ट मिल जाए। बट वो हॉइस्ट पे भी नहीं हो पा रहे, इतनी रेसलेस हो जा रही है ना। तो साहिल लगा भी तो अकेले ही हुआ था, रविंदर है हमारा इक्वाइन एक्सपर्ट ग्रुप ट्रेन। चाचा हमने वो वाले टूल्स यूज करे जो हमें डोनेशन में उन्होंने लेके दिए, वही टूल्स यूज करने के लिए लेकर इसको शुरू किया था बट हो नहीं पाई कंट्रोल। ठीक है ओके। और ये अब बबलू जी जो हैं काफी समय से हमारे साथ हैं, इसकी जो जरा सी वो थी बहुत ज्यादा टेल से ब्लीडिंग ही इतनी हुई थी कि मतलब इतने बड़े बैल पे पूंछ की चोट को हम जरा से ही कहेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, क्या हुआ क्या इसकी स्किन आ गई है? पिंक स्किन है अभी, लेकिन कई जगह अभी वो है मतलब ब्लीडिंग है अभी भी ना, तो अभी छोड़ेंगे मक्खी लगेगी मैगट वुंड होगा वापस उसी स्टेज में पहुंच जाएगा, इस वजह से अभी तो नहीं छोड़ सकते इसको। चंबी भी बबलू जैसा ही दिख रहा है, चंबी फैंस के लिए बुरी न्यूज़ है। आजकल क्या है कि
ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रखी है उसको, वो हो गए हैं हॉट स्पॉट्स कहते हैं शायद, राइट। तो ये बीमारी की वजह से थोड़ा बहुत सब्ड्यूड सा है, तो इसी का हमने फ़ायदा उठाते हुए मूली को इन लोगों से इंटीग्रेट करा दिया कि वो एक जगह हमारे पास खाली हो गई। एक हमारा गया ब्रेन, तो भाग जाता है। अब तो वो लीश पे चलता है, चलता है। अब तो वो सिट बोलोगे हाथ में बिस्किट लेके तो वो सिट करेगा और वो हेलो भी करेगा। अच्छा, ब्रेन को अडॉप्ट करना है? ये एक्चुअली ये ब्रेन के केयर टेकर्स हैं पहले से ना, और जो दो बार इसका केस रिपोर्ट हुआ है तो इन्होंने ही किया था। इनकी मदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं शायद ब्रेन का। पिछली बार भी वो मान गए थे इसको घर पे ही रख के ट्रीट करवाने के लिए, जब हमने बताया था कि यहाँ पर केनाइन डिस्टेंपर आउटब्रेक चल रहा है, बट फिर इसकी कंडीशन देख के हमने थोड़ा रिस्क लेके इसको यहाँ पर ही शिफ्ट करवा लिया था। तो ये बाहर ही रहता है क्या? नहीं, रहता तो घर पे ही है। जैसे मम्मी दुकान जाएंगे दुकान जाएगा, मंदिर जाएंगे मंदिर जाएगा। अभी तो अडॉप्ट करें ना, ब्रेन कम्प्लीटली हील हो गया क्या? कम्प्लीटली हील तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पूरी हेयर ग्रोथ आने में टाइम लगेगा। गोदी आ जा, गोदी को बोला है। क्यों नहीं जाना तुम्हें? क्यों ट्रेन ट्रेन चला आगे ना यार, चलो चलो आगे घर आगे। मार्किंग द टेरिटरी, घर बनाया आपने? हाँ वो बनाया ना वहाँ पे। ये ब्रेन के लिए बनाया था, इसलिए खराब हो गया पूरा ब्रेन का घर। अभी बनना है पर नहीं बना रखा था, इसकी छापी लगाई थी लेकिन वो बारिश हुई तो वो सारा खराब हो गया था। कि जो पाला था ना गूंगा था, बोलता नहीं था, तभी इसको पत्र निकाल दिया। हमारे पास आ गया यहाँ पर। आ जा चलो, नहीं गंदे बच्चे करते हैं ऐसे। देखो आपका घर है, इतना प्यारा प्यारा बनाया है भैया ने आपके लिए। लोग बैठे बैठ जा उसके अंदर आराम से। अब ब्रेन की बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज़, ब्रेन को जिन्होंने अडॉप्ट किया है उन्हें उससे थोड़ा लगता है डर। तो ऐसा नहीं है कि वो, मैं कहूँगा कि एनिमल लवर नहीं है वो, फिर भी उन्होंने उसके लिए घर भी बनाया है। वो नहीं चाहते कि वो सड़क पे रहे और दोबारा गंदी हालत में पहुँच जाए। तो देखो आपको एनिमल्स की हेल्प करने के लिए एनिमल लवर होने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू वॉन्ट टू डू द राइट थिंग। हे बाय द वे थैंक्स यार, आप लोगों ने, हमने लास्ट टाइम कहा था कि आप एनिमल बॉन्डिंग वाली फुटेज भेजना, आप में से बड़े सारे लोगों ने हमें भेजी है, तो अब हम चेक करेंगे एंड हम ग्रेजुअली फीचर करना शुरू करेंगे। एक चीज़ ना मैं क्लियर करना चाह रहा था, लास्ट टाइम भी मुझे ध्यान नहीं किसी ने मुझे इन पर्सन बोला या कमेंट था, तो वो अबॉर्शन का कह रहे थे कि भाई आपने उसका अबॉर्शन कर दिया। हाँ वो बेबी जिंदा पैदा हुआ था ना, एंड देन वो ख़त्म हो गया। तो लोग कहते भाई आपने, एक बंदा कह रहा था कि लाइफ बचाई पर आपने लाइफ ली भी तो। पर देखिए अगर हम उसका अबॉर्शन ना करते ना तो दो जाने जाती, एंड सेम बस का भी है, अगर इसका अबॉर्शन नहीं करेंगे तो दो जाने जाएंगे, अबॉर्शन करेंगे तो इट्स नॉट लाइक कि ये हमने कोई अच्छा डिसीजन लिया, पर हमारी चॉइसेस है कि बुरा और कम बुरा, तो हम कम बुरा चुन रहे हैं। तो आगे जाके वैसे भी इसको डिस्टोपिया होना था, जैसे सर ने बताया ना काफ का हेड बहुत बड़ा था, और वो अभी जब वो फुल्ली मैच्योर भी नहीं हुआ था तो भी इतना बड़ा हेड था जो कि निकालने में मुश्किल आ रही थी बाद में, तो फिर दोनों ने ही नहीं बचना था पक्का। थिंग इज देखो कर्स ऑफ नॉलेज है, हमें ये सब पता है। हाँ। लोगों को सरफेस लेवल दिख रहा है, वो उस पर जजमेंट दे रहे हैं। तो खैर बस का क्या होता है हम आपको अगली बार बताएंगे।